Assalamu alaikum aspirants. In this video, we will discuss the British History Past Paper 2018. Or section A mein hamara first question hai, what did lead to the occurrence of the ultra degree of the mega development towards the close of the 17th century AD in Britain known as Glorious Revolution? Yani 17th sadi ke ikhtitam par Britannia mein shandar inqilab ke naam se maroof intihai darje ki mega tarakki ka bais kya bana? तो डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स क्या थे दैट लीडिंग टू द मेगा डेवलपमेंट इन ब्रिटेन। तो 1688 का जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है वो बताने की तारीख का एम होता है जिसने मुल्क को एब्सोल्यूट जो पावर थी यानी बादशाहत की उनसे अन्य बादशाहत की तरफ मुंतकिल किया और ये वाकया बरतानिया के अंदर अहम सियासी समाजी और मुआशी तब्दीलियों की वजह बना। तो कुछ अवामिल हैं उनको हम डिस्कस करते हैं जो इस गैर मामूली तरक्की की वजह बने। तो इसमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट मॉनार्की थी यानी कि मुतलिकुल अनान बादशाह जेम्स डोम की जो हुकूमत थी वो उसकी कोशिशों से ये जुड़ी हुई थी कि वो पार्लियामेंट के बगैर हुकूमत करे और अपनी ताकत को मजबूत करे जिससे पार्लियामेंट और अवाम में कशीदगी पैदा हुई। इसके अलावा मजहबी तनाजात थे। जेम्स डोम जो कैथोलिक था उसने कैथोलिक्स के लिए मजहबी रवादारी को फ़रोग देने की कोशिश की जिसने प्रोटेस्टेंट सोसाइटी के और पार्लियामेंट को खौफजदा किया और उसकी पॉलिसी जो थी वो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट इकतदार के लिए ख़तरा बन गई थी। इसके अलावा जानशीनी के खदशात थे। जेम्स डोम के बेटे की पैदाइश ने कैथोलिक हुक्मरानी के तसलसल का खदशा पैदा कर दिया तो जिससे प्रोटेस्टेंटिज्म और बादशाहत के मुस्तकबिल के बारे में बड़ी सतह के ऊपर तशवीश पैदा हुई। इसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हमने देखे फैक्टर्स। अब हम इकोनॉमिक फैक्टर्स के बात करते हैं कि मुआशी अवामिल कौन से थे। राइजिंग मिडिल क्लास का उभरना, ताजर और मिडिल क्लास तबके की बढ़ती हुई जो तादाद थी इसने सियासी ताकत और नुमाइंदगी का मुतालबा किया जिससे बादशाहत के साथ तनाजा पैदा हुआ था। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी दूसरा फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर के कॉलोनियों के साथ तजारत से होने वाली खुशहाली ने एक ऐसी हुकूमत का मुतालबा किया जो कारोबारी मफादात का तहफ़ करे बजाय इसके कि उन्हें दबा कर रखे। इसके अलावा इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे यानी कि बासर शख्सियात तो एक जिसमें थे विलियम ऑफ ऑरेंज। एक ग्रुप इंग्लिश अशराफिया की तरफ से विलियम ऑफ ऑरेंज को दावत देना एक अहम इकदाम था कि विलियम को एक प्रोटेस्टेंट लीडर के तौर पर देखा गया जो जेम्स डोम को चैलेंज कर सकता था और विलियम का दावा कबूल करने का एक अहम मोड़ साबित हो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सपोर्ट फ्रॉम की ग्रुप्स यानी व्हिग्स और टोरीज समेत मुख्तलिफ ग्रुपों की हमायत ने जेम्स डोम के खिलाफ अपोजिशन को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। एंड दिस कोलिशन वर्क टुवर्ड्स इंश्योरिंग अ प्रोटेस्टेंट सक्सेशन। इस इतिहाद ने प्रोटेस्टेंट जानशीनी को यकीनी बनाने के लिए काम किया। इवेंट्स लीडिंग टू द रेवोल्यूशन इनकलाब की तरफ ले जाने वाले वाकयात कौन से थे। तो ग्लोरियस इन्वेजन था। विलियम ने नवंबर 68 में एक निस्बतन छोटी फौज के साथ इंग्लैंड में कदम रखा था लेकिन उसे इंग्लिश अशराफिया और आवाम की बड़ी हमायत मिली जिसके नतीजे में मज़ाहमत बहुत कम हुई। देन फ्लाइट ऑफ जेम्स टू जेम्स डोम का फरार होना तो काफ़ी मुखालफत का सामना करते हुए जेम्स डोम फ्रांस फरार हो गया था जिसने मौसर तरीके से तख्त छोड़ दिया और इस अमल ने बादशाहत की कमजोरी को जाहिर किया। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नतज क्या थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आइनी बादशाहत इनकलाब के नतीजे में एक आइनी बादशाहत कायम हुई जिसमें बादशाह की ताकत को महदूद किया गया और पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया गया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट बिल ऑफ राइट्स का 1689 का कि हकूक के बिल को मंजूर किया गया था जिसमें पार्लियामेंट के हकूक को बयान किया गया और बादशाह की ताकत को महदूद किया गया। ये दस्तावेज जो थी जदीद बरतानवी जमहूरियत की बुनियाद बनी। रिलीजियस को टॉलरेंस यानी ये मुकम्मल तौर पर यानी हासिल नहीं हो सका था लेकिन इनकलाब ने मजहबी रवादारी के फरोग की राह हमवार कर दी थी और इसके अलावा जो इसमें गैर यानी मुताबिक पसंदों के हकूक थे उनको यकीनी बनाने के कवानीन के क्याम का आगाज हो गया। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो थी वो 17 सेंचुरी के बताने में सियासी तनाजात मुआशी तरक्की और समाजी तब्दीलियों का नतीजा था। तो इस इनकलाब ने सियासी मंजरनामे को बड़ी हद तक तब्दील कर दिया था यानी तर्जी हुक्मरानी के असूलों को कायम किया और बरतानिया की जदीद शनाख्त को शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 18th सेंचुरी एडी विटनेस द इमर्जेंस राइज एंड ग्रोथ ऑफ द टू मूवमेंट्स एग्रीरियन इंडस्ट्रियल विच रिवोल्यूशनाइज द लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पीपल इन पार्टिकुलर लेटर ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल कमेंट ऑन द स्टेटमेंट।
18वीं सेंचुरी में ईस्वी में दो तहरीकों यानी जराई और सनती का जहूर अरूज और तरक्की देखने को मिली थी, जिन्होंने खास तौर पर अंग्रेज अवाम और बाद में दुनिया भर के जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस बयान के ऊपर कमेंट करें। सो 18वीं सदी और जराई सनती तहरीकों का जहूर कैसे हुआ, उनका अरूज कैसे हुआ और तरक्की किस तरह से उनको डिस्कस करते हैं। 18th century was a transformative period in British history marked by significant developments in agriculture industry. So these two points not only revolutionized the needs of the English people but also had a lasting impact on the world. Yani 18th sadi mein kaashtkari ke tareeqon mein kafi peshraft hui thi. Ye 18th sadi 19th tareeq ka ek ahem daur tha jisme ziraat aur sanat ke shobe mein badi tabdiliyan aayi thi. इन दोनों तहरीकों ने न सिर्फ बरतानवी आवाम की जिंदगी को तब्दील कर दिया था बिल्कुल, और उनके असरात भी दुनिया भर में उनके वाज़ह तौर पर महसूस किए गए थे। ज़राई तहरीक की बात करते हैं, 18th सेंचुरी में काश्तकारी के तरीकों में काफ़ी तब्दीली आई थी, जो ज़राई इनकलाब के नाम से यानी मशहूर है, और फसलों की यानी बारी बारी काश्त, मुंतखब शुदा नस्ल कशी यानी सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और इस नए फसल जैसे कि पोटैटोज और टर्निप्स की यानी आलू और शलजम की आमद से ज़रे पैदावार में इजाफा हुआ था। इसके अलावा इनक्लोजर मूवमेंट थी यानी ज़मीन की हदबंदी की तहरीक। तो इनक्लोजर एक्ट्स के जरिए ज़मीन के मालकान ने छोटे छोटे खेतों को बड़े खेतों में यानी इकट्ठा कर दिया था, और इस तहरीक ने बहुत से जो यानी इससे क्या हुआ कि इस पैदावार और कारकर्दगी में इससे काफ़ी इस तहरीक से फ़ायदा हुआ था। इस तहरीक ने बहुत से छोटे किसानों को बेदखल कर दिया था, तो इससे पैदावार में और कारकर्दगी में इजाफा हुआ और कमर्शियल ज़राअत को ज़्यादा तक फ़रोग मिला था। अब मुआशी असरात क्या था, मुआशरती असरात तो ज़राई तरीक़ों में बेहतरी के नतीजे में गज़ाई जनास के यानी मकदार थी वो मयसर आई, वाफिर मकदार मयसर आई, जिसने बढ़ती हुई आबादी को सहारा दिया, और बहुत से जो दही मजदूर थे वो अपनी ज़मीन से हटकर शहरों की तरफ हिजरत कर गए, जहाँ बढ़ती संतों के लिए जो है वो मजदूर भी फराम किए गए। अब हम संती तहरीक की बात करते हैं। 18th सेंचुरी के आखिर में संती जो इनकलाब था, संती इनकलाब का आगाज़ हुआ था, जिसने मशीतों को ज़रई यानी बुनियादों से संती बुनियादों के ऊपर मुंतकिल किया था। तो इस दौर में मशीनरी और टेक्नोलॉजी में काफ़ी यानी कि जिद्दतें आई थी, और ख़ासतौर पर कपड़े की सनत में, लोहे की पैदावार में और कोयले की कानकनी के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि इनोवेशंस को, तो स्पिन जेनी, स्टीम इंजन और पावर लूम जो जैसी इजादात हैं, तो इन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। तो फैक्ट्रियों का क्याम आया, जिसके ने काम को मरकजी बना दिया और अशिया की बड़ी सतह के ऊपर पैदावार को भी मुमकिन बनाया। देन अर्बनाइजेशन का पॉइंट है कि जैसे जैसे फैक्ट्रियों की तादाद में इजाफा हुआ, लोग शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में आने लगे। सो इस तेज़ी से शहरकारी ने शहरों की बढ़ोतरी में और रहन सहन के हालात में काफ़ी तब्दीलियां पैदा की। इंटरकनेक्शन ऑफ द एग्रीरियन इंडस्ट्रियल मूवमेंट, ज़राई और संती तहरीकों का बाहमी ताल्लुक इसमें है। इक्तसादी अमांगी ज़राई इनकलाब ने, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने संती इनकलाब के लिए ज़रूरी खुराक और मजदूर फराम किए थे। इसके अलावा ज़राई पैदावारी सलाहियत में इजाफे ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शहरों में मुंतकिल होने में और फैक्ट्रियों में काम करने के काबिल बना दिया था। अब हम देखते हैं कि सोशल चेंजेस क्या आईं। तो दोनों तहरीकों ने समाजी स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियाँ पैदा की, ठीक है, और एक नया मेहनत कश तबका उभरा था, जिसने मेहनत के निज़ाम में तब्दीलियाँ की और मजदूरों के हकूक़ के लिए तहरीकों की बुनियाद रखी, ठीक है। अब हम इसके ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हैं, कि इसमें था कि स्प्रेड ऑफ आइडियाज़, दुनिया भर के मालिक ने संती जो तरीके थे उनको अपनाना शुरू कर दिया था, जिससे मुआशी तरक्की और आलमी तजारत दोनों में तब्दीलियाँ आईं, और यह पीरियड जदीद मईशतों और आलमी सरमायदारी के क़याम की वजह बना। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रीज वर्ल्ड वाइड बिगेन टू अडॉप्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड चेंजेस इन ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स, दिस लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न इकोनॉमीज एंड ग्लोबल कैपिटलिज्म। तो दुनिया भर के ममालिक ने संती तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया था, जिससे मुआशी तरक्की और आलमी तजारत के अंदर तब्दीली आई। ये दौर मईशत को आलमी सरमायदारी के क़याम की बुनियाद बना था, और 18वीं सदी जो था वो एक फैसला कुन दौर था, जिसमें ज़राई और संती तरीकों का संती तरीके यानी इमरजेंस हुई, तरक्की भी देखने को मिली। इन तहरीकों ने यानी इंग्लिश पीपल
उनके जिंदगियों में बुनियादी तब्दीलियां पैदा की और इसके अलावा ग्लोबल चेंजेस भी ये लाए मुआशरती इक्तसादी और सनती मैदान के अंदर। तो इन 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 ये जो इनकलाबात हैं इनके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं और इन्हें इंसानी तारीख के एक अहम मोड़ के तौर पर भी तस्लीम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शेड एम्पल लाइट ऑन द इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर पॉलिसी ऑफ द सर रॉबर्ट पील एज ब्रिटिश प्रीमियर विद पर्टिकुलर एम्फसाइज ऑन आयरिश इशू। यानी सर रॉबर्ट पील की बतौर बरतानवी वजीर अजम अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों पर रोशनी डालें, खासतौर पर आयरिश मसले पर जोर देते हुए। तो अब उनके अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों का जायजा लेते हैं। बरतानवी वजीर अजम की पॉलिसियाँ क्या थी? तो सर रॉबर्ट पील ने बरतानिया के वजीर अजम के तौर पर मुख्तलिफ अदवार में यानी 1834 to 1835, 1841 to 1846 ये मुख्तलिफ अदवार थे, उनमें उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी थी। तो उनकी लीडरशिप जो थी वो इस्लाहात और कौमी यकजहती को फ़रोग देने के हवाले से अहम समझी जाती है, पार्टिकुलरली कंसर्निंग द आयरिश इशू। सो अब देखते हैं इसके इंटीरियर एक्सटीरियर पॉलिसीज क्या रही। सबसे पहले हम उनकी इंटीरियर पॉलिसीज की बात करते हैं जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं। मुआशी इस्लाहात लाई गई कॉर्न लॉ की मनसूखी थी 1846 की। तो सर रॉबर्ट पेल की सबसे जो नुमाया अंदरूनी कामयाबी है वो कॉर्न लॉज की मनसूखी थी, जो यानी जो दरामद शुदा अनाज था उसके ऊपर महसूलात करती थी। इस फैसले का मकसद गरीब तबके के लिए खुराक की कीमतों को कम करना था और मुआशी हालात को बेहतर बनाना था। इसके अलावा उनकी अंदरूनी पॉलिसियाँ थी आज़ाद तजारत की हमायत करना। पहल आज़ाद तजारत के बहुत हामी थे, उनका मानना था कि इससे मुआशी तरक्की मुमकिन होगी और उन्होंने मुख्तलिफ अशिया के ऊपर महसूलात में कमी की ताकि यानी बाजार ज़्यादा खुले हों, मार्केट्स खुली हों और तजारत को फ़रोग मिले। इसके अलावा हम उनके अंदरूनी पॉलिसी में सोशल रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो पहल ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के हालात को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने असलाहत की हमायत की और उन्होंने उन कवानीन का मकसद खवातीन और बच्चों के लिए काम के अवकात को महदूद करना था और बेहतर मेहनत के असूलों को प्रमोट करना था। इसके अलावा पॉलिसी रिफॉर्म्स थी कि 1829 में उन्होंने लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स की बुनियाद रखी जो जदीद पॉलिसिंग का एक नमूना बनी। और इसका मकसद क्या था? जराइम को कम करना और अवामी नज्म व नस्क को बेहतर बनाना। अब हम आयरिश इशू की बात करते हैं। कहत के रद्दमल और ग्रेट आयरिश कहत आया 1845 to 1852 के दौरान पेल की हुकूमत को शदीद दबाव का सामना करना पड़ा ताकि आयरलैंड की भूख से निजात दिलाने के लिए इकदाम किए जाएँ। तो उन्होंने इब्तदाई तौर पर यानी भारतीय मकई की दरामद का इंतजाम किया ताकि भूखी आबादी को खाना दिया जा सके। देन आयरिश पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1847 पेल की हुकूमत ने इस एक्ट के जरिए आयरलैंड के जो गरीब थे उनको इमदाद दी और इमदाद देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस रद्द अमल को नाकाफी समझा गया और ताखिर भी कहा गया। अब हम उनके एक्सटीरियर पॉलिसीज की बात करते हैं कि बैरूनी पॉलिसियाँ क्या थी, खारजा ताल्लुकात उनके कैसे थे मुस्लिम मालिक के साथ, फ्रांस के साथ उनके ताल्लुकात थे। पेल ने फ्रांस के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए काम किया और सफारती तावन और तजारती मुआहदे को फ़रोग दिया। तो उनकी पॉलिसियाँ जो थी वो बरतानिया की यूरोप में मजबूत पोजिशन को बरकरार रखने के ऊपर मरकूज थी। और इसके अलावा उनकी पॉलिसी थी अफ्यून जंगों में चीन में जो जारी थी अफ्यून जंगों से मुतलक मसाइल जो थे वो पहले की हुकूमत को दरपेश थे। सो ही कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ यूजिंग ट्रेड एंड डिप्लोमेसी टू एक्सपेंड ब्रिटिश इंटरेस्ट एब्रॉड। यानी उन्होंने बरतानवी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए तिजारत और सफारतकारी के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश की। और इम्पेरियल कंसर्न्स उनके क्या थे? यानी कि साम्राज्य खदशात। तो सल्तनत की तोसी की पहल ने बरतानवी सल्तनत की तोसी की उन्होंने हमायत की थी, लेकिन उनका जो ज़्यादा फोकस था वो तजारती और इकतसादी मफाद के ऊपर था बजाय इसके कि ज़मीनी यानी फतूहत। तो इस पॉलिसी का मकसद क्या था? कि बरतानिया की आलमी पोजिशन को मजबूत किया जाएगा। अब हम बात करते हैं उनके चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म की कि उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा उनके अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करवाने में। तो उन्हें उनके ऊपर तनकीद भी की जाती रही, उनके असलाहत की मुखालफत की गई थी। बैल को असलाहत के हवाले से कंजरवेटिव और लिबरल दोनों जानब से तनकीद का सामना था।
खासतौर पर कारण लाज की मनसूखी पर बहुत से कंजर्वेटिव जो थे वो उनके मुखालिफ थे, क्योंकि वो उसे ज़रा मफादात के खिलाफ समझते थे। और इसके अलावा पार्टी की भी तकसीम थी, उनकी असलाहत ने कंजर्वेटिव पार्टी में असलाफात को जन्म दिया, क्योंकि बहुत से अराकीन उनके आज़ाद तजारत के एजेंडे की हमायत नहीं करते थे। और आयरिश कौम परस्ती थी कि पहल के आयरलैंड के मसले से निमटने को बहुत से आयरिश कौम परस्त जो थे वो नाकाफी समझते थे, और उन्होंने कहत के दौरान कुछ इकदाम किए, लेकिन आयरलैंड की हकूमत और हकूक के हवाले से जो लॉन्ग टर्म सोलूशन थे तो इस तरह के मसाइल को हल नहीं किया जा सका। तो सर रॉबर्ट पेल का दौर इकतदार जो था वो अंदरूनी असलाहत के हवाले से अहम था, खासतौर पर आयरलैंड के मसले के रद्द अमल में जो इकतसादी और समाजी असलाहत की गई थी। तो उनकी बैरूनी पॉलिसियाँ बरतानिया के आलमी इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए सफारतकारी और तिजारत के ऊपर मरकोज थी। सो उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन उन्होंने पार्टी के अंदर इख्तलाफात और आयरिश कौम परस्ती जैसे कम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करना पड़ा। तो उनकी विरासत में अंदरूनी पॉलिसियों में भी पेशरफ्त हुई थी, और आयरलैंड से मतलब जो मसाइल जारी थे वो उनके बारे में भी मुस्तकबिल के सियासी डेवलपमेंट्स की बुनियाद रखी गई। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर्स वर टेकन फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट राउंड द डिकेड्स, यानी बरतानवी पार्लियामेंट के जमहूरी होने के इकदाम कौन से थे। तो मेजर्स फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बरतानवी पार्लियामेंट के जमहूरियत की तरफ कौन से इकदाम थे। बरतानवी पार्लियामेंट की जमहूरियत की तरफ बढ़ना एक जो था एक तजरीजी अमल था, ग्रेजुअल प्रोसेस था, कई दहाइयों में ये प्रोसेस जारी रहा था। तो मुतलब असलाहत का मकसद क्या था कि वोटिंग के हकूक को बढ़ाना और इसके अलावा नुमाइंदगी को बेहतर बनाना, सियासी निज़ाम को आम आवाम के लिए ज़्यादा काबिल रसाई बनाना था। तो अली रिफॉर्म्स कौन सी थी, इब्तदाई असलाहत की गई असलाहत का एक्ट था 1832, वोटिंग के हकूक में तोसी की गई, इस एक्ट ने जायदाद के तकाजों को कम करके वोटों की तादाद में इजाफा किया। तो असलाहत का एक्ट जो 1832 का था इसने खासतौर पर सनती शहरों में ज़्यादा मर्दों को वोटिंग के हकूक दिए थे, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स यानी इस एक्ट ने पार्लियामानी सीटों की दोबारा तकसीम की ताकि बढ़ती हुई शहरी आबादी की बेहतर नुमाइंदगी की जा सके। तो ऐसे इलाके जो थे जिसमें रोटन ब्रॉल था यानी एरियाज विद फ्यू वेरी वोटर्स, इनके लिए खासतौर पर। उसके बाद 1867 का रिफॉर्म एक्ट था कि वोटिंग के हकूक की मजीद उसको उसके अंदर तोसी की गई, इस एक्ट ने शहरी जो मेहनत काश मर्द थे उनको वोटिंग के हकूक दिए, जिसने इलेक्टोरेट को दोबारा तकरीबन उसमें इजाफा कर दिया, उसको डबल कर दिया, और इस नए हलकों की तखलीक की ताकि शहरियों जो इलाके हैं शहरी इलाके हैं उनकी बेहतर नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। मजीद रिफॉर्म्स भी की गई, 1884 का इस्लाहती एक्ट था कि दही इलाकों में, इस एक्ट ने बहुत से दही मजदूरों को वोटिंग के हकूक दिए, जिससे दही और शहरी वोटिंग के हकूक को ज़्यादा करीब लाया गया, और इस हलकों की तादाद में भी इसने इजाफा किया जिससे आबादी की बेहतर नुमाइंदगी मुमकिन हुई। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1918, नुमाइंदगी के अवामी एक्ट 1918। तो मर्दों के लिए आम वोटिंग की गई, इस एक्ट ने 21 साल से ज़ायद उम्र के तमाम मर्दों को वोटिंग के हकूक दिए, जिससे इलेक्टोरेट में इजाफा हुआ, और इसके अलावा इसने 30 साल से ज्यादा उम्र की औरतों को भी वोट देने की इजाज़त दी, जो कि वोटिंग के हकूक में जिन्स की मसावत की तरफ भी एक अहम कदम था। पोस्ट वार रिफॉर्म, जंग के बाद की असलाहत की गई, इसमें नुमाइंदगी के जो अवामी एक्ट था 1928 का, इसमें औरतों के लिए मसावी वोटिंग के हकूक दिए गए थे, इस एक्ट ने औरतों को मर्दों के मसावी वोटिंग के हकूक फराहम किए थे, जिससे 21 साल से ज्यादा उम्र के तमाम औरतों को वोट देने की इजाज़त मिली थी। फिर ये एक्ट जो था ये यानी जिन्स की मसावात और बताने में जमहूरियत की कोशिशों में एक माइलस्टोन था। फिक्स टर्म पार्लियामेंट्स एक्ट 2011, इसके अलावा मुकर्रर मुदत पार्लियामेंट्स एक्ट 2011 आया, इसमें इंतखाबात में स्टेबिलिटी आई, इस एक्ट ने पार्लियामेंट के लिए मुकर्रर मुदत कायम की और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इंतखाबात हैं वो बाकायदा वक्फों पर हों, जिससे सियासी इस्तेहकाम आए और अकाउंटेबिलिटी को भी बेहतर बनाया जाए। ऑन गोइंग एफर्ट्स कौन सी थी, इख्तियारात की खुद मुख्तारी है यानी स्कॉटलैंड वेल्स और शुमाली आयरलैंड, 20वीं सदी के आखिर में इन इलाकों में खुद मुख्तार असम्बलियों का क्याम अमल में आया था, ठीक है, जिसने उन्हें मकामी मामलात पर ज़्यादा कंट्रोल दिया। सो
इसके अलावा लोकल गवर्नेंस के अंदर भी इजाफा हुआ था। खुद मुख्तारी ने जमहूरी नुमाइंदगी को बढ़ाया और मुख्तलिफ इलाकों की मखसूस जरूरियात के मुताबिक पॉलिसियों को तश्कील देने की इजाज़त दी। ठीक है, अब हम जो जारी इंतखाबी असलाहत हैं उनकी बात करते हैं, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डिबेट्स है, यानी तनासुब नुमाइंदगी के अपनाने के हवाले से डिस्कशंस जारी हैं। इसका मकसद क्या है कि ज़्यादा जो नौजवान हैं, यानी कि जो ज़्यादा नुमाइंदा हैं, वो इंतखाबी निज़ाम की को तख्लीक करें। और इसके अलावा वोटिंग में शिरकत की हौसला अफजाई है कि मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो वोटर्स की शिरकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर यंग पीपल और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के दरमियान। तो बरतानवी पार्लियामेंट की जमहूरियत की तरफ ये जो सफ़र है वो एक कम्प्लेक्स और ऑन गोइंग प्रोसेस है, जिसमें अहम असलाहत का जो यानी निशाना है वो वोटिंग के हकूक़ को बढ़ाना है और नुमाइंदगी को बेहतर बनाना है। सो फ्रॉम द अर्ली रिफॉर्म एक्ट टू मॉडर्न डे इनिशिएटिव्स, दीज मेजर्स हैव कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल सिस्टम इन ब्रिटेन। तो इब्तदाई असलाहत एक्ट से लेकर जदीद दौर की कोशिशों तक ये इकदाम मिलकर बरतानिया में एक ज़्यादा जामे और नुमाइंदा सियासी निज़ाम की तख्लीक की जानिब काम कर रहे हैं। ठीक है, सो द जर्नी टुवर्ड्स फुल डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट ब्रॉडर सोशल चैलेंजेस एंड द इवॉल्विंग डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश पब्लिक। ये जो सफ़र है समाजी तब्दीलियों और बरतानिया अवाम की तरक्की पसंद मांगों की अक्कासी भी करता है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि क्वेश्चन है कि हाउ ब्रिटेन पुट हेल्प टू द पॉलिसी ऑफ द स्प्लेंडिड आइसोलेशन, व्हाट वर इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। बरतानिया ने शानदार तन्हाई की पॉलिसियों को कैसे ख़त्म किया और इसके मस्बत और मनफी पहलू क्या हैं। तो शानदार तन्हाई का इस्तेलाह यानी स्प्लेंडिड आइसोलेशन का इस्तेलाह जो है वो 19 सेंचुरी के आखिर और 20 सेंचुरी के आगाज़ में बरतानिया की खारजा पॉलिसी की तरफ इशारा करती है, जो कि बाज़ाब्ता इतिहाद बनाने या बर आज़म के तनाज़ात में हिस्सा लेने की यानी रिलेक्टेंट खसूसियात से पुर थी। और 20वीं सदी के आगाज़ में यह पॉलिसी जो है वो तब्दील होना शुरू हुई। सो रीज़न फॉर द शिफ्ट, तब्दीली की वजूहात क्या हैं। बढ़ते हुए खतरात, जर्मनी का अरूज, 1871 में जर्मनी के जो इतिहाद था इसने उसे यूरोप में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभारा, जिसने बरतानिया के लिए मुमकिन फौजी इक्तसादी मुकाबले के बारे में तश्वीश पैदा की। और इसके अलावा समंदरी हथियारों की दौड़ है कि जर्मनी जो है उसकी बहरी तोसी ने बरतानिया की समंदरी बतरी को ख़तरे में डाल दिया। ठीक है, जिससे उसके अलहदा रहने के जो रवैये थे उसके ऊपर नजरसानी का भी मौका मिला। देन चेंजिंग ग्लोबल डायनमिक्स, फिर आलमी डायनमिक्स की तब्दीलियाँ हैं। जब बरतानिया ने अपने वसी सल्तनत की हिफाजत का सोचा तो उसे महसूस हुआ, उसे ये एहसास हुआ कि इतिहादियों की ज़रूरत हो सकती है ताकि अपने समंदरी इलाकों की हिफाजत की जा सके। फिर अफ्रीका और एशिया में होने वाले तनाजात ने दूसरे ताकतों के साथ तावन की ज़रूरत को उजागर किया, खासतौर पर नौआबादियात हरीफों से निमटने के लिए। देन हम की डिवेलपमेंट्स की बात करते हैं, तरक्यात कौन सी थी। इसमें जो एथनेट कार्डियाल था 1904 एग्रीमेंट विद फ्रांस, तो बरतानिया ने फ्रांस के साथ यानी एथनेट कार्डल पर दस्तखत किए, जो कि तन्हाई से एक अहम तब्दीली का निशान है। तो इस माहदे ने नौआबादियाती तनाजात को हल किया और करीब तावन की बुनियाद रखी। तो अब हम देखते हैं स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इस माहदे ने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर तलुकात को प्रमोट किया, तो जिसने यूरोप में जर्मनी के इन्फ्लुएंस को मतवाजन करने में मदद दी। देन एंग्लो रशियन एथनेट 1907 कोलैबोरेट विद रशिया, रूस के साथ तामन, बरतानिया और रूस ने अपने इख्तलाफात को हल किया, खासतौर पर वस्ती एशिया और फ़ारस में, लीडिंग टू द एंग्लो रशियन एथनेट, जिसके नतीजे में एंग्लो रशियन एथनेट का क्याम हुआ था। तो ये जो एग्रीमेंट था इसने इतिहादियों के एक नेटवर्क को मजीद मजबूत किया, जिसने जर्मनी को घेरा और खतरात को कम करने में भी मदद दी। अब हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। सिक्योरिटी में इजाफा हुआ, इसकी वजह से इतिहादियों की तश्कील के जरिए बरतानिया अपने मफादात की बेहतर हिफाजत कर सकता था और यूरोप में ताकत का तवाजन बरकरार रख सकता था। इसके अलावा फौजी तावन हुआ, इतिहादियों के साथ तावन ने फौजी तैयारी और हिकमत अमली की मनसूबा बंदी को बेहतर बनाया। इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, यानी मजबूत सफारती तलुकात ने तजारती माहदों को सहूलत दी, जिससे दूसरे ममालिक के साथ इक्तसादी रवाबित को बढ़ावा मिला। और उसके बाद इतिहादियों की मदद जो है वो बरतानवी नौआबादियों के दिफा में तमावन हो सकती थी, जिससे आलमी इक्तसादी मफादात की हिफाजत हुई।
नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, तब्दीलियों के मनफी पहलू क्या थे, तो यूरोपी तनाजात में मुलव्वस होना यानी इतिहादियों की तरफ बढ़ने का मतलब ये था कि बरतानिया बरेआज़म की जंगों में शामिल हो सकता है, ठीक है, जिससे जो फौजी जिम्मेदारी है उनका सामना करना पड़ता है जो इसके मफादात के मुताबिक नहीं हो सकती थी। देन कम्प्रोमाइज न्यूट्रलिटी, द पॉलिसी चेंज कम्प्रोमाइज बिटवीन ट्रेडिशनल स्टांस ऑफ न्यूट्रलिटी इन यूरोपियन अफेयर्स। इतिहादियों की तश्कील ने तनाजात में भी इजाफा किया, गैर जानबदारी की तरफ कुर्बानी थी कि पॉलिसी ने तब्दीली पॉलिसी की तब्दीली ने बताने के यूरोपीय अमूर में जो है वो गैर जानबदार यानी कि रवायती हैसियत को कमज़ोर किया। फिर इतिहादियों की तश्कील ने मिसट्रस्ट और मुकाबले का एक माहौल पैदा किया, कंपटीशन का माहौल पैदा किया, खासतौर पर जर्मनी के साथ, तो जिसने मुमकिन तसादम के इम्कान को बढ़ा दिया। तो पहली जंग अजीम जो थी वो इतिहादियों का यह नेटवर्क पहली जंग अजीम के आगाज़ में वामन साबित हुआ था, जिसमें बरतानिया एक ऐसे तनाज़े में शामिल हुआ था जिससे वो बसूरत दीकर बच सकता था। तो बरतानिया का जो सिबलेंट आइसोलेशन की पॉलिसी थी उससे जो तब्दीली थी वो बढ़ते हुए आलमी खतरात और अपने मफादात की हिफाजत की ज़रूरत के बायस हुआ, जबकि इतिहादियों की तरफ जो है वो बढ़ने से सिक्योरिटी इक्तसादी फ़वाद जो है वो हासिल हुए थे। तो इसके साथ जो यूरोपी तनाजात थे इसमें बढ़ती उलझने भी इसके अंदर शामिल थी। तो इसके अलावा तनाव की बढ़ती हुई सूरत हाल ने पहली जंग अजीम के आगाज़ में मदद दी। तो दिस शिफ्ट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी शेपिंग इट्स रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर इयर्स टू कम। यह तब्दीली बरतानवी खाजा पॉलिसी में एक अहम मोड़ की हैसियत रखती है जो आने वाले सालों में उसके बैन अक्वामी तालुकात की शक्ल के ऊपर असर अंदाज हुई। तो अब हम देखते हैं कि वाई इज इट इज बिलीव्ड बाय सर्टेन सर्कल्स दैट आफ्टर डीकोलोनाइजेशन ब्रिटेन हैज बीन सबसर्वेंट टू यूएस लाइन ऑफ द एक्टिंग ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एंड देयर आफ्टर डाउन टू 9/11 एंड सब्सिक्वेंटली हैज डू यू एग्री ऑर नॉट। सो इसके क्वेश्चन है कि क्यों बाज हलकों में यह माना जाता है कि आज़ाद होने के बाद बरतानिया सादे जंग के दौरान और फिर 9/11 और इसके बाद के सालों में अमेरिका की लाइन ऑफ एक्शन के सामने सर तस्लीम खम कर चुका था, क्या आप इस बात से इतफाक करते हैं या नहीं। सो ब्रिटेन सुपर सर्विसेज टू यूएस लाइन ऑफ एक्शन डीकोलोनाइजेशन बरतानिया के आज़ाद होने के बाद अमेरिका की लाइन ऑफ एक्शन के सामने सर तस्लीम खम करना क्या था कि आज़ाद होने के बाद खासतौर पर सादे जंग के दौरान और 9/11 जैसे वाकयात तक कुछ लोग यह समझते हैं कि बरतानिया अमरीकी खाजा पॉलिसी के साथ जो बढ़ती हुई उसकी अमांगी है उसमें चला गया, यानी ये यकीन जो है वो कई तारीखी वाकयात और आलमी सियासत में तब्दीलियों से पैदा होता है। सो इस नुक्ता नज़र को हम डिस्कस करते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल रिलेशंस डीकोलोनाइजेशन लॉस ऑफ द एम्पायर यानी सल्तनत का नुकसान के दूसरी आलमी जंग के बाद बरतानिया ने तेज़ी से आज़ाद होना शुरू किया, अपनी बड़ी सल्तनत के ऊपर कंट्रोल खो दिया और इस तब्दीली ने इसके आलमी किरदार को तब्दील कर दिया। फिर इतिहाद की ज़रूरत हुई कि आलमी इन्फ्लुएंस में कमी के साथ बरतानिया ने अमेरिका के साथ मजबूत इतिहाद के जरिए अपनी अहमियत बरकरार रखने की कोशिश की, ठीक है। अब हम कोल्ड वार देखते हैं, सादे जंग का जो दौर था वो सरमायादार मगरब जिसकी क्यादत जो था वो अमेरिका कर रहा था और कम्युनिस्ट ईस्ट यानी कम्युनिस्ट मशरक जिसकी क्यादत सोवियत यूनियन कर रहा था, तो ये जद्दोजहद की खसूसियत रखता है। फिर बरतानिया ने सोवियत खतरे का मुकाबला करने के लिए यानी जो अमेरिकी हुकूमत थी हिकमत अमली थी उसके साथ करीबी अमांगी इख्तियार की। तो आर्गूमेंट फॉर सुपर सर्विसेज सर तस्लीम खम करने के हक में जो दलाइल हैं ये हो सकते हैं इनके अंदर के मिलिट्री अलायंस फौजी इतिहाद का पॉइंट हो सकता है कि नेटो की रुकनियत है यानी नेटो के बानी रुकन के तौर पर बरतानिया ने अमेरिकी क्यादत में इज्तमाई दिफा के लिए अपने हक को अपने आप को वाबस्ता किया जिसे कुछ लोग सर तस्लीम खम करने की अलामत समझते हैं। मुश्तरक फौजी कार्रवाइयाँ की गई, बरतानिया ने अमरीका की क्यादत में फौजी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया जैसे कि कोरिया में और बाद में खलीजी जंग में जो कि अमरीकी हिकमत अमलियों के साथ आमांगी की अक्कासी करता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंस के अंदर के बरतानिया की जो इक्तसादी पॉलिसियाँ हैं वो यानी बतदरीज अमरीकी मफादात की अक्कासी करने लगी थी जिसके नतीजे में अमरीकी मार्केट्स और सरमाकारी पर काफ़ी इनसार उन्होंने किया था। इसके अलावा जंग के दौर में बरतानिया ने खासतौर पर
मार्शल प्लान के जरिए अमरीकी माली हमायत पर इनसार किया था, जो कि उसके खाजा पॉलिसी की अमांगी के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा हम पोलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी देख सकते हैं कि अमरीकी पॉलिसियों की हमायत की गई थी। बरतानिया ने अक्सर अमरीका की खाजा पॉलिसियों की हमायत की और इसके अंदर इराक और अफगानिस्तान की मदाखलतें भी इसके अंदर शामिल थी, जो कि अमरीकी मकासद के साथ जो है वो हमांगी की अलामत है, ना कि आजादाना इकदाम की। अब हम कुछ आर्गूमेंट्स देखते हैं इस सुपर सर्वेंस परस्पेक्टिव के अगेंस्ट। तो स्ट्रेटजिक आज़ादी का पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं कि कौमी मफादत का तहफ़ यानी बरतानिया की स्ट्रेटजिक आज़ादी के हामियों का कहना है कि मुल्क ने अपने कौमी मफादत को तरजीह दी, चाहे वह अमरीका के साथ आमांग हों। दैन यूनिक ब्रिटिश फॉरन पॉलिसी, फिर बरतानिया बाज़ोकात अमरीकी पॉलिसियों से इनहराफ करता रहा, जैसा कि 2003 में इराक पर हमले की इब्तदाई जो हिचकिचाहट थी, जो कि आज़ादी की एक डिग्री को जाहिर करती है। और इसके अलावा शेयर्ड वैल्यूज और गोल्स के अंदर हम कुछ इख्तलाफात देख सकते हैं कि अमेरिका और बरतानिया जो थे वो मुशतरक जमहूरी इक़दार के हामिल हैं, जिसकी वजह से कई अमूर में कुदरती तौर पर आमांगी पैदा होती है। इसमें आमांगी पैदा होती है लेकिन सर तस्लीम खाम करना नज़र नहीं आता। तो इसके अलावा आलमी क़यादत का किरदार है कि बरतानिया ने तारीखी तौर पर आलमी तनजीमों में क़यादत का किरदार अदा किया, जैसे कि अब अक़वामे मुत्तहिदा, सो जो कि इस बात को का इशारा करता है कि यह आलमी सतह पर अहम असर रसूख बरकरार रखता है। देन इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, तो आलमी डायनेमिक्स की जो तब्दीली है, जैसे जैसे नए आलमी ताकतें उभरी, बरतानिया ने अपनी खाजा पॉलिसी को पेचीदा बैन अक़वामी मसाइल का हल तलाश करने के लिए ढाला और सिर्फ अमरीकी हदायत के ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया। तो 9/11 के बाद बरतानिया ने अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना किया, जिसके नतीजे में अमेरिका के साथ शराकत दारी कायम हुई, जो कि बाहमी मफादात की बुनियाद के ऊपर थी, रेदर देन वन ऑफ द सब सर्विसेज। सो ये यकीन कि बरतानिया आज़ाद होने के बाद अमेरिका की कार्रवाइयों के सामने सब सर्वेंट यानी कि ख़त्म कर चुका है, तारीखी वाक़या जोग्राफियाई डायनमिक्स की बुनियाद पर है, जबकि इस नुक्ते नज़र के हक में कई मजबूत दलाइल मौजूद हैं, जिनमें फौजी और इक्तसादी इनसार हमने स्टडी किया है। इसके बाद कुछ मजबूत दलाइल हैं इसके बरक्स भी, जो बताने की स्ट्रेटजिक आज़ादी और मुशतरक इकदार को हाईलाइट करते हैं। तो ये बरतानिया और अमेरिका के दरमियान तलुकात एक पेचीदा नेचर के हामिल हैं, जो तामन को और इनहराफ के लम्हों के इम्तज़ाज के जरिए यानी शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, जो कि कौमी मफादात और इत्तेहाद की जो वाबस्तगी है उसके दरमियान एक तवाज़ुन की अक्कासी करते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द टू द फॉलोइंग सर्विसेज टोटल ब्रिटेन रोल इन यूरोपियन यूनियन एंड लेडी डायना। सो किसी दो के ऊपर मुख्तसर नोट लिखना है तो बताने को यूरोपियन यूनियन में क्या किरदार था, या लेडी डायना के ऊपर या सर्विसेज टोटल के ऊपर लिखना है। सो हम देख लेते हैं, जो पहला हमारा पॉइंट है सर्विसेज टोटल के बारे में, उनकी इब्तदाई जिंदगी उनके कैरियर को डिस्कस करते हैं। तो उनकी पैदाइश जो थी वो विंस्टन चर्चिल की पैदाइश जो थी वो 30 नवंबर 1874 को ऑक्सफोर्ड शायर इंग्लैंड में हुई थी, और तालीम की उनकी बात करें तो उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट बर्स में तालीम हासिल की थी, और बरतानिया फौज में एक अफसर के तौर पर उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी थी। देन हम पॉलिटिकल इंट्री की बात करते हैं, तो वो जो सियासत में वो दाखिल हुए थे, चर्चिल ने 1900 में रुकन पार्लियामेंट के तौर पर अपने सियासी करियर का आगाज किया था, और इन सालों के दौरान मुस्लिम हुकूमत के वो अहदों के ऊपर भी फायज रहे थे। तो उनकी लीडरशिप की को डिस्कस करते हैं, जंग के दौरान क़यादत उनकी कैसी थी, यानी चर्चिल 1940 में वज़ीर आज़म बने थे जब दूसरी आलमी जंग अरूज के ऊपर थी, और उनकी क़यादत ने नाजी जर्मनी के खिलाफ बरतानिया अवाम को यकजा करने में अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा उनकी मशहूर तकरीरें हैं कि उन्हें अपने मुतासर कुन बयान के लिए जाना जाता है, जैसे कि वी शेल फाइट ऑन द बीचेस, यानी कि हम साहिलों पर लड़ेंगे, जो कौम को तारीख वक्त में हौसला देने के लिए मशहूर हैं। सो अलायंस विद यूएस, इसके अलावा अमेरिका के साथ उनका इतिहाद है, चर्चिल ने अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट के साथ एक मजबूत इतिहाद कायम किया, जो इतिहादी जंगी कोशिशों के लिए बहुत अहम था। देन पोस्ट वार इन्फ्लुएंसेस एंड लेगेसी, बाद जो जंग असर और विरासत है, तो इस जंग के बाद चर्चिल ने सियासत पर असर डालना जारी रखा था। जो 1950 के दहाई के आगाज़ में दोबारा वजीर आज़म बने, तो 1946 में उन्होंने अपनी मशहूर आयरन कर्टन स्पीच जो थी उसमें सोवियत तौसीह के खतरात के बारे में उन्होंने यानी इसको हाईलाइट किया था, और इसके साथ जंग के उभरते हुए तनाव को ये हाईलाइट करती है।
और नोबेल प्राइज तो चर्चिल को 1953 में अपनी तारीखी तहरीरों और तकरीर के लिए नोबेल इनाम दिया गया था। और इसके अलावा सर विंस्टन चर्चिल को ब्रिटानिया के सबसे बड़े रहनुमाओं में से एक के तौर पर याद किया जाता है, जिनके अजम उनके यानी तकरीरी महारत और दूसरी जो आलमी जंग थी और बाद की दुनिया की शक्ल में अहम किरदार अदा करने की उनके पास खसूसियत थी। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं ब्रिटानिया का यूरोपियन यूनियन के अंदर किरदार। तो इब्तदाई शमूलियत देखें तो 1973 में यूरोपीय इक्तसादी कम्युनिटी ईईसी में शमूलियत इख्तियार की, जो यूरोपीय यूनियन का एक यानी पेशरू थी, जिसके साथ आयरलैंड और डेनमार्क भी शामिल थे। इक्तसादी फवायद क्या थे? रुकनियत ने एक बड़े सिंगल मार्केट तक रसाई फराहम की, जो तजारत और इक्तसादी तरक्की के लिए बहुत अहम थी। देन इन्फ्लुएंस विद यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के मेन जो असर और रसूख है, तो पॉलिसी के को शेप दी गई ब्रिटानिया ने यूरोपियन यूनियन की पॉलिसियों की तश्कील में अहम किरदार अदा किया, खासतौर पर तजारत में, कंपटीशन में और मालियाती जवाबित के शोबों में। जो ब्रिटानिया यूरोपियन यूनियन के बजट में बड़े शराकत दारों में शामिल था, जिसने मुख्तलिफ प्रोग्रामों और इकदाम की माली मावनत की। और उसके बाद जो ब्रेग्जिट का फैसला है कि रिफरेंडम था 2016 में, ब्रिटानिया ने एक रिफरेंडम मुनक़द किया था जिसमें 52% वोटरों ने यूरोपीय यूनियन छोड़ने का फैसला किया था, जो कि एक अहम सियासी तब्दीली की वजह बने थे। फिर वोट के बाद बरतानवी हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन के साथ अपनी अलहदगी की शराइत तय करने के लिए पेचीदा मुज़ाकरात में दाखिल हुई, जो 31 जनवरी 2020 को बाज़ाब्ता अलहदगी के पर यानी कि मुंतज हुए। उसके बाद हम देखते हैं लेगेसी एंड फ्यूचर इम्प्लिकेशन को। तो यूरोपीय यूनियन से बताने की अलहदगी ने नए तजारती माहदों और बैन अक्वामी तलुकात में तब्दीलियों की राहवार की। तो ब्रेग्जिट के बरतानवी मईशत और यूरोपीय यूनियन के साथ तलुकात के ऊपर जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है उसके ऊपर गुफ्तगू और तजिए का सिलसिला अभी भी जारी है। सो बरतानिया का यूरोपीय यूनियन में के अंदर जो किरदार है वो अहम असर रसूख और शराकत दारी से भरा हुआ है, लेकिन ये तारीखी फैसले के ऊपर जो है ये मुंतज है। तो दिस मूव हैज रीशेप्ड ब्रिटेन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड इट्स रिलेशनशिप विद यूरोप। इस इकदाम ने बताने के सियासी और इक्तसादी मंजरनामे और यूरोप के साथ इसके ताल्लुकात को दोबारा तश्कील दिया है। सो हमने डिस्कस किया है पास्ट पेपर ब्रिटिश हिस्ट्री का, पास्ट पेपर 2018। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।